सिनेमेटिक शॉर्ट्स लेके आएंगी। जाओगी लेके आओगी? अच्छा आदि को यहाँ रख लो। आपके बेबी बेबी छोड़ दो, बेबी पार्लर में जाओ, पैसे भी बचाओ और साथ में समय भी बचाओ। सब क्योंकि शादी का टाइम कहेंगे अरे ये लोग दोनों आ चुके हैं मार्केट में, अब तुम्हें खरीदना क्या है? कर दिया। दीपू बोल रही थी कि पैसे मैं भेज दूंगी, तू इसके लिए कपड़े खरीद ले। ये पीयूष कितना नालायक है, मतलब शादी कर आमा डिम्पल को ज्यादा अच्छा मानती है वासु से, आमा की हंसी बता रही। क्या खत्म 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 खत्म। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। जब हम नेक्स्ट से कहीं जा रहे थे तो उसका तेल खत्म हो गया, उसका वो तेल बहुत लीक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं आज बनाऊंगी बाहर का ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आज का मेरे नए ब्लॉग में। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह ब्लॉग बनाऊंगी। ये अंकुश भाई आ चुके हैं, अंकुश भी और शिवम सुमित सब आ चुके हैं। किडनैप, अरे पैसे नहीं मिलेंगे, इसके टेंशन मत लेना, पैसे नहीं मिलेंगे, किडनैप कर भी लोगे तो। तो मैं सो आपको मैं बाहर की वादियाँ दिखाऊंगी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही, तो मैंने सोची इनको भेजूँ, इन दोनों को भेजूँ, ये सिनेमेटिक शॉर्ट्स लेके आएंगे। जाओगे लेके आओगे छत में? चलो जाओ फिर जाओ। तो गाइस फोन देती हूँ मैं इनको, और ये जाके थोड़ा मैं आलसी हूँ ना, थक गई बहुत। आदि को अब यहीं छोड़ रही हूँ मामा, अब आदि यहीं रहेगा बर्थडे के बाद। आप रख लोगे आदि को? देख लोगे? मेरे से बोलता ही नहीं है यार, कहाँ से देखूं? नहीं बोलता आपसे, किससे बोलता है फिर वो? शुभम बाजू काव्या, काव्या से भी नहीं बोलता वो, काव्या से मैं कम बोला हूँ, शुभम बाजू ही भाई जी भाई बस ऐसे कह रहा। ये शुभम है, ये वासु है, ये मैं हूँ और ये उनकी बहन है। ये उनकी बहन है वो उनकी। आमा फिर मैं रख लूँ सुनो, आदि को यहाँ रख लूँ, आदि को यहाँ रख लूँ। हाँ हाँ सही में ठीक है, आमा रख लिया मैंने, ठीक है आमा मैं रख लिया। मतलब एक ही कमरे में सब लोग बैठ के गप मारने की कल रात गाइस इनके साथ जरा थोड़ा वो हो गया, इनकी और उनकी टिकट कंफर्म नहीं थी, आरती और सुमित थोड़े आराम से आए, लेकिन अंकुश और नहीं नहीं हमने सुमित को नीचे बिठा दिया था, हमने कहा कोटा वाला आदमी जमीन पे बैठेगा। अरे तुम बच गए भाई, वरना बाइक पकड़ते ना तो जाते दोनों को फाइन भरना पड़ता 500 रुपए। और इतनी देखो गाइस सुबह जिम विम लगा के आ चुका है, और लक्की भी कुछ खाएगा तू, अभी याद आ रहा है वीडियो में देख के, वैसे नहीं आया। दीपुदा क्या खाऊंगा तेरा? दीपुदा क्या खाऊंगा जो खाऊंगा, और लक्की काम कर रहे हैं, और ये दोनों भाई ऐसे क्या देख रहे हैं जैसे माना कुछ क्या क्या सीख रहे हो, इतना मत सीखो भैया। हाँ तो मैंने लिया है नहा धो, और अब मैं जाऊंगी पार्लर, थोड़ा वैक्स वैक्स करा के आती हूँ। चल छोड़ दोगे बेबी? बेबी छोड़ दोगे? अरे वाह आपके बेबी, बेबी छोड़ दोगे? बेबी तुमसे नहीं कह रही, इससे कह रही, बेबी छोड़ दोगे? छोड़ दे रहा हूँ। चलो छोड़ दो भैया, छोड़ दो भैया, छोड़ दो भैया, छोड़ दो। यहाँ पानी आ नहीं रहा है तो टैंकर के द्वारा पानी डाला जा रहा है। ये देखो आदि को देखो। तो अब हम निकल चुके हैं घर से पार्लर के लिए, लक्ष्मी छोड़ेंगे हल्द्वानी में। मैं तो जा रही थी मेकओवर में, लेकिन मैं सोच रही हूँ वहाँ ना बहुत टाइम लग जाएगा, और वहाँ अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ऐसे लोकल पार्लर में जाओ, पैसे भी बचाओ और साथ में समय भी बचाओ, समय नहीं है हमारे पास, है ना शीतल? टाइम इम्पोर्टेंट है, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, मनी से टाइम इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और जाएंगे और उसके बाद हम शायद कुछ शॉपिंग भी करेंगे, मुझे भी नहीं पता क्या शॉपिंग, क्या पता घर से कुछ कॉल आ जाए कि ये लेना है वो लेना फलाना खाना खाना, आपको बताइए शादी वाले घर में कितने सारे काम होते हैं, कितना सब कुछ होता है। तो गाइस हम पार्लर में आए, और यहाँ पर भाभी थ्रेडिंग करवा रही है। से हाय टू गाइस। सो गाइस अब मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी ये हो रहा है हेयर कट, अब भाभी हेयर कट करवा रही है, तो कम कम और भाभी को चाहिए मिनिमल कटिंग।
बिल्कुल बाल छोटे नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि शादी का टाइम कहेंगे अरे बहू के बाल कट्टी है यार अच्छा नहीं लगेगा। सो गाइस ये मेरा नया लुक ब्यूटीफुल। फ्लिक्स दिखाइए, फ्लिक्स ये फ्लिक्स ब्यूटीफुल। रानी बाल सो चलो अब चलते हैं। अब हम ले रहे घर में जो लिस्ट आई है एक लेते ना ये कोई ऐसे होती है। हाँ घर के लिस्ट की सामान की लिस्ट ले रहे हैं। एक हमने हल्द्वानी में इतना सारा सामान देखा सही हो रहा नहीं रहा दिल्ली में, दोबारा से वही रीचेक कर रहे हैं। शीतल खा रही है पनीर, मैं भी खा रही हूँ पनीर, मैं कढ़ी चावल खा चुकी हूँ, मैं दोबारा खा रही हूँ पनीर। कढ़ी चावल साफ हो चुका है दूसरी बार। ये लोग दोनों आ चुके हैं मार्केट में। अब तुम्हें खरीदना क्या है भैया के लिए? क्या कोट पैंट लेके आई हूँ फेस लगाने को, दद्दा का फुफाजी का, दद्दा का और फुफाजी का, मेरे भाई का भी ले ही आते हैं यार। पापा का बोला ही नहीं मुझसे, भाई ने बोला तो मेरे भाई का ही नहीं देखा गाइस, मेरे भाई का नहीं आया। आज लकी की आज लकी की खैर नहीं है, आज लकी मेरे के टिकट नहीं है, आज जाने दो। चलो भैया मार्केट चलो चलो येलो और रेड ले लेना। कैसी लग रही हूँ कलर? हाँ वो ले लिया कलर पॉपर एक रेड लेना है। क्या लग रही हूँ? ग्रीन और ब्लू ठीक है। क्या मैं सच में कॉमेडियन लग रही हूँ? नहीं लेकिन चस्का मजा आ गया, बहुत अच्छा है ना, मस्त है। 100 रुपए का है, चलो अगर मिलेगा तो 100 का है। तो गाइस पीयूष ने अपने ऊपर कर दिए 100 रुपीज खर्च और बाल बिल्कुल स्मार्ट उनके आ गए। एक 300 रुपए लग गए इसके, आज तो 100 ही लगे होंगे, तो आज लगे इसके 100 रुपए खर्च और अब लग रहा है बिल्कुल बहुत ही सुंदर। अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं अपने भाई के लिए एक कुर्ता लेने और अपने देवर के लिए, दोनों देवरों के लिए कुर्ते लेने। पहले तो मैं सबसे पहले तो मैं रज्जू के लिए कुर्ता लूंगी। भाई वो जब से पैसे कमाने लग गया ना वो तक कंजूस हो गया ना, मैं क्या बताऊँ, सॉरी कंजूसों की सारी हदें वार कर दी उसने। और देखो दुकानें सज चुकी हैं। ये होता है जब तक खुद नहीं कमाने लगो तो पैसा उड़ाने का मन कर, जब खुद कमाओ ना तो फिर हाँ। और यही सेम चीज रज्जू ने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। दीपू बोल रही थी कि पैसे मैं भेज दूंगी तू इसके लिए कपड़े खरीद लेना। अब बता मैं कैसे कहूँ दीपू तुम भी पेटीएम कर दे 2000 रुपए, अछा नहीं लगेगा ना। वैसे तो दीपू देख रही तो कर ही देना, वीडियो में बोल दिया है, अगर तू देख रही है तो कर ही देना यार 2000 रुपए। ठीक है मैं कहते अच्छा लगेगा ना, कहते यार सही बात है। यहाँ पर दिल्ली की तरह मार्केट में फ्री फ्री कुछ नहीं मिलता, सब पैसों का मिलता है, तो यहाँ भीड़ है ही नहीं। तो मैंने योगी का फेशियल किया था और योगी ने और मैंने पीछे करा और योगी ने बुआ का करा। हाँ। और मतलब बुआ ने अप्रिशिएशन के लिए उसको रुपये भी दिए, बोला कि ये तेरा प्रोफेशन है ये बेटा मैं तुझे इस अपने मन से मुझे भी योगी को गाइस पैसे देने चाहिए कि मैं बेवकूफ़ की तरह उसे पैसे देना भूल गई। उसने मेरा कल भैया मसाज करने भी लगी, मैंने ब्लॉग में लिया नहीं, मेरा अच्छा लगेगा यार कि मतलब घर पर फेशियल पैसे बचा रहे कहेंगे, इसलिए मैंने लिया नहीं, लेकिन मैंने पैसे बचा लिए। मैं कहा क्या ही खर्चा करूँ, इतना खर्चा तो हो ही रहा है ऑलरेडी, तो खर्चा ज़्यादा करना सही नहीं लगा। और मैं सोच रही हूँ कराऊंगी कभी, मैंने हेयर भी कट कर लिया आज, बढ़िया किया है लग रहा है भाई साहब। फ्री दे रही फ्री है भैया, फ्री है कहाँ जा रहे हैं हमें कुर्ते लेने भैया, कुर्ते ले जाओ भैया ले जाओ, कुर्ते लेने चलो फ्री फ्री लग रहा है भैया खोपचे को बजाने कहाँ ले जाने वाले। अरे इतनी अंदर दुकान है, मुझे तो आज पता लग रहा है, मैं तो पता ही आज ठंडा हो रहा है क्या दुकान के अंदर दुकान। ये आ गए फाइनली हम पहुँच गए तीसरी मंजिल पे। भैया कोट पैंट नहीं सॉरी क्या देख लें, कुर्ता पजामा ठीक है, और कुछ और भी दिखा दो बाकी इधर देख ये पीयूष कितना नालायक है, मतलब शादी कल महिला कल हल्दी है, इसको आज याद रहे कि से काली जींस लेनी है। है पीयूष गर्दन ऊंची करना नहीं, तुम तो बताओ किसी तरह लग रहे हो अभी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा वो लड़का है यूट्यूबर, याद नहीं आ रहा मुझे नाम याद नहीं आ रहा जल्दी से। दीदी बन रही है दीदी, दीदी को भैया के बारे में सब पता है,
वो पूछ रही है, वो वहाँ पीछे देखो, देखो वो अपने लिए ढूंढ रही है कपड़े। तुम्हें सही लग रहे हैं, बढ़िया एकदम वैरायटी, ये वाली अच्छा लग रहा है, जारा का जो लगा है सूज भी है। तो ये मैंने हमने ले ली, सॉरी हमने मैंने नहीं, हमने ले लिए कुर्ते। चले कर विवेक, चलो चल, थैंक यू भैया। तो अब हम ले रहे हैं आधी के लिए टी शर्ट, क्योंकि इनके लिए तो ले लिए है सब कपड़े, कपड़े आधी के लिए नहीं लिए येलो कलर के। तो टी शर्ट देख रही हूँ और कुर्ता पजामा भी देख रही हूँ, दिखा दो भैया अच्छा सा। तो अब हम मैं आ गई हूँ मतलब डॉक्टर के पास, मेरा गले में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं आई हूँ डॉक्टर शहजाद अहमद के यहाँ, दिखाऊंगी अपना गला और डॉक्यूमेंट सही मिलाई, फिर जाऊंगी पहाड़ शाम के 5 बजे। पहले ब्लॉग भेजना पड़ेगा उसके बाद जाना है, इसलिए रुके 5 बजे तक रुकी हूँ। और 4 बजे आदि का कपड़े भी लेके आने, पैंट सिलवाई है, बहुत ही गाँव में, बाप रे बहुत ही गाँव, सच में बहुत ही गाँव है आज। ये ले लिया मैंने दवाई और ये है मेरा पर्चा, किसी को समझ में आ रहा है तो देख लेना। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए घर पर और ये सामान हमारा फैला पड़ा है, देख सकते हो आप बहुत कम हो गया, क्योंकि सारा शॉपिंग तो ले गए। और आ जाई है डिंपल वासु की आमा, मैं आपको दिखाती हूँ। आमा आप डिंपल की आमा हो, वासु की आमा हो, ज्यादा प्यार किसको है आपको, डिंपल को वासु को? अरे आमा व्लॉग है, व्लॉग हाँ बताओ बताओ। डिंपल अच्छी लगती है, वासु भी अच्छा लगता है, डिंपल भी, ज्यादा डिंपल से प्यार है आपको। तो दोस्तों ज्यादातर लोग अपने नाती को ज्यादा अच्छा मानते हैं और नातनी को कम मानते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ अपनी नातनी को ज्यादा अच्छा मानते हैं, नाती को थोड़ा सा कम प्यार है, नातनी से ज्यादा है। आमा डिंपल को ज्यादा अच्छा मानती है वासु से, आमा की हंसी बता रही है। हाँ आपकी भी सही बात है, आप पीयूष को कम अच्छा मानते हो, आरती को ज्यादा अच्छा मानते हो। नहीं डायलॉग मत मारना, झूठे बोल रहे हो आप आरती को अच्छा मानते हो। जो पहले घर में आया वो तो हमारे लक्ष्मी के रूप में आई है, तो अच्छा वो हमारी लक्ष्मी है। अच्छा आप आद तो देख लो दोस्तों, यहाँ थोड़ा उल्टा चलता है हमारे घर में, हमारे घर में लड़की को ज्यादा अच्छा मानते हैं, लड़कों को कम। पीयूष इधर आना, पीयूष भाग रहा है मेरे सवालों से, पीयूष इधर आना और मैं पीयूष को पकड़ के बताती हूँ। बताओ किसको अच्छा मानते हैं तुम्हें, तुम्हारे इधर तो देखो आरती को अच्छा मानते हैं, तुम्हें अच्छा मानते हैं, सच बताओ। ये अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाह रहा है, सोच रहा है कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए। शीतल शीतल तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी मैं, कि आरती के पापा आरती को अच्छा मानते हैं उसको? अरे वो तो आरती को ही बिल्कुल पक्का लॉक कर दिया जाए। ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। नहीं 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 फूफा जी से पूछते। तो गाइस ये है हमारे फूफा जी, एक सवाल पूछूंगी आपसे छोटा सा, सच बताना आप डिंपल को अच्छा मानते वासु को? दोनों को ज्यादा, डिंपल को सबको पता है, सबको पता है डिंपल को, डिंपल को। तो गाइस ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आंसर डिंपल वाला है, डिंपल लॉक कर दिया जाए। शीतल शीतल आपको सच्ची रिव्यू देगी, सच पर। हेलो हाँ क्या छूट गया तेरा? डिंपल के पापा डिंपल को अच्छा मानते हैं वासु को? डिंपल को। तो गाइस देख लो रिव्यू सच वाला मिल गया है। तो अब मैं शायद ये वाला ब्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ और नया ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। तो मिलते हैं आपको कल को, मतलब कल को नहीं दूसरे ब्लॉग में। अभी बज रहे हैं करीब 4:30। कंचन तुम इतने डिप्रेशन में क्यों, कहाँ के क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या? घर की बड़ी बहू और घर की बड़ी बेटी होना। गाइस मैं बड़ी बहू, मुझे कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल चिल आउट हूं मैं, कोई टेंशन नहीं, जो होगा देखी जाएगी। लेकिन बड़ी बेटी होना मुझे लग रहा है बहू से ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पे है ना, आप यहाँ रोज नहीं रहते हो ना, इसीलिए अगर यहाँ शादी हो रही थी ना ऐसी रेल निकल रही थी मेरी भी, जैसे इसी क्या नाम है कंचन की निकल रही है, वो मेरी चूड़ी भी रखना है बहन। तो मैं कह रही थी मैं आपको नए ब्लॉग में मिलूंगी, अब ब्लॉग यहीं पर खत्म करती हूँ और ये स्टार्ट यहीं से आगे करती हूँ आपका, कि अब मैं यहाँ जब जाऊंगी तो नया ब्लॉग नए ब्लॉग में आएगा, शादी के ब्लॉग है, अलग अलग ब्लॉग में डिवाइड करके भेजूंगी, बहुत टफ टास्क है चीजें करना बट करनी पड़ेगी। तो गाइस बने रहिएगा ब्लॉग में आगे तक और शादी का ब्लॉग एंजॉय करिएगा।